हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी ब्लॉगर शिबा। सो फ्रेंड, मैं हूँ शिबा। तो आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो लेके, जो कि डेली रूटीन में हम लोग यूज़ करते हैं और बहुत ही आपके लिए काम आने वाली टिप्स हैं जो आज मैं लेके आई हूँ। बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि आपके प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, तो आप ऐसा क्या करती हैं, और वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं मेरे प्लांट्स को किस तरीके से हेल्दी रखती हूँ, तो आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत ही काम के टिप्स आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मेरा जो पहला टिप्स है वो है लहसुन को लेके, और मुझे ना थोड़े से लहसुन की नीड थी। तो अक्सर हम लोग परेशान रहते हैं ना लहसुन को छीलने के लिए, और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हमें लहसुन को छीलने जब हम इसको छीलते हैं। तो आज मैं एक बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताऊंगी इसको आसान तरीके से छीलने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक कपड़ा ले लिया है कॉटन का, और इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, और यहाँ पर मैंने प्रेस को गर्म कर लिया है। तो अभी आप सोच रहे होंगे लहसुन और प्रेस का क्या कॉम्बिनेशन है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रेस मेरी गर्म हो गई थी, और ये देखिए जो हमने कपड़ा फोल्ड किया था ना, इस तरीके से लहसुन पे आपको प्रेस को घुमाना है, और दो तीन मिनट के लिए लगातार आपको ऐसे ही घुमाना है मतलब लहसुन पे, और इसको ना उल्टा पलटी आप दो तीन बार कर लीजिएगा मतलब, और अच्छे से, और उसके बाद हाथ की हेल्प से लहसुन को इस तरीके से मसलना है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से लहसुन का छिलका उतर गया है गाइस, यकीन माने बहुत ही अच्छा ये टिप्स है। और अगर एक दो रह गया है तो एक बार आप मतलब दोबारा उसको कर लीजिएगा, वो छिलका उतर जाएगा। तो अगला टिप्स जो है वो है मेरा सन ग्लासेस को लेके, और अक्सर हम देखते हैं कि इनके जो ये शीशे होते हैं ना, बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, और हम इनको कितना भी साफ़ कर लें मतलब इन पे ना मतलब लाइनिंग लाइनिंग सी नज़र ही आती रहती है। तो आज बहुत अच्छा टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ उसको क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ सैनिटाइज़र, और मेरे पास लिक्विड वाला है, अगर आपके पास स्प्रे वाला है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने इसके शीशों पर सैनिटाइज़र डाल लिया है, और इस तरीके से कॉटन के कपड़े की हेल्प से मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, और ये बिल्कुल हाइजीन फ्री हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा टिप्स है गाइज, अगर आप सनग्लासेस लगाते हैं तो इस तरीके से आप अपने सनग्लासेस को क्लीन कर सकते हैं। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी ये कितने अच्छे से क्लीन मतलब हो जाता है। और यहाँ पर देखिए मैंने बहुत अच्छे से इसको क्लीन कर लिया, और ये देखिए किस तरीके से मेरे जो चश्मा है वो चमचमा रहा है। तो है ना ये बढ़िया सा टिप्स, तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगले टिप्स की तरफ चलते हैं। अगले टिप्स मेरे क्लॉथ को लेके है। अक्सर जब हम कपड़े सुखाते हैं ना, तो ये छोटे छोटे कपड़ों को सुखाने के लिए ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और कपड़े सुखाने के लिए हम क्लॉथ क्लिप का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास क्लॉथ क्लिप ना हो तो उसमें क्या करें हम। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये टिकटॉक पिन है, और आप टिकटॉक पिन का यूज़ कर सकते हैं अपने कपड़ों को सुखाने के लिए, क्योंकि हम कितनी भी टिकटॉक क्लॉथ क्लिप ले आएँ वो इधर उधर हो ही जाती हैं। तो जब मेरी क्लिप मुझे नहीं मिलती हैं तो मैं इस तरह की टिकटॉक पिन का यूज़ करती हूँ, और इनकी ना पकड़ बहुत ज़्यादा मतलब मजबूत होती है, कपड़े इधर उधर बिल्कुल नहीं जाते हैं, खासकर छोटे कपड़े। और ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगी, 5 रुपये जोड़ी या 10 रुपये का पत्ता मेरे ख्याल से मिल जाता है। तो आप इस तरह की पिन को भी यूज़ कर सकते हैं अपने कपड़ों को सुखाने के लिए। तो यहाँ देखिए मैं दिखा रही हूँ इनकी पकड़ कितनी मजबूत हैं, बिल्कुल भी कपड़े इधर उधर नहीं जाने वाले हैं। तो है ना ये टिप्स बहुत बढ़िया काम आने वाला। तो अगला टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला टिप्स मैं सिलेंडर को लेके बता रही हूँ। अक्सर जब हम सिलेंडर लेके आते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि सिलेंडर हमारा लीकेज है या सही है, तो उसकी पहचान कैसे करें, और यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि सिलेंडर को हम किस तरीके से चेक करें कि हमारा सिलेंडर लीक है या नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है, और इस तरीके से मैंने पानी इसमें डाल दिया है, थोड़े से ही पानी की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका सिलेंडर लीक होगा तो इसमें लगातार बबल्स आएंगे, लेकिन मेरे सिलेंडर में बिल्कुल भी बबल्स नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा सिलेंडर बिल्कुल सही है और इसकी रबड़ बिल्कुल भी कटी हुई नहीं है। तो आप इस तरीके से अपने सिलेंडर को मतलब पहचान कर सकते हैं, क्योंकि ये सेफ्टी पर्पज़ से भी देखिए बहुत ज़रूरी है।
तो है ना ये काम का टिप्स। तो चलिए अगले टिप्स की तरफ चलते हैं। तो अगला टिप्स गाइज मैं मेडिसिन को लेके बता रही हूँ, और ये मेरे पास कुछ एक्सपायरी मेडिसिन थी। अगर आपके पास एक्सपायरी मेडिसिन है तो इनको बिल्कुल मत फेंकिएगा, क्योंकि इनका आज बहुत ही उपयोगी यूज़ मैं मतलब इनका बताने वाली हूँ उपयोग, और ये बहुत काम आने वाली मतलब टिप्स है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बॉल में पानी ले लिया है, और जितनी भी मेरे पास एक्सपायरी मेडिसिन है मैं उनको कभी भी नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर इनका यूज़ करती रहती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने वन बाई वन करके सारी जो टैबलेट हैं वो मैंने पानी में डाल दी हैं, और इनको अभी हमें थोड़ा सा मतलब वेट करना पड़ेगा इनके घुलने तक। कुछ टैबलेट ऐसी हैं जो आसानी से घुल जाती हैं, और कुछ को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो चलिए 2 मिनट का वेट करते हैं इनको घुलने के लिए। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हाथ से भी आप इनको घोल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी ये टैबलेट अच्छे से घुल चुकी हैं, और ये हमारा बनके तैयार हो गया है एक बढ़िया सा सॉल्यूशन, और देखिए कलर भी चेंज हो गया है पानी का। तो चलिए यहाँ पर मैं एक स्प्रे बॉटल ले रही हूँ, और इस पानी को हमें स्प्रे बॉटल में डालना है। और आज ना मैं इसका आपको 2-3 यूज़ बताने वाली हूँ, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही काम का सॉल्यूशन बनके गाइस तैयार हुआ है, और चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज़ जो मैं आपको बता रही हूँ चैटियों को लेके है, और यहाँ पर देखिए मेरे ना यहाँ बहुत ज़्यादा चैटी आ जाती है। मैं यहाँ पर कुछ भी रख दूँ या ना भी कुछ भी रखूँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब चैटियाँ आ जाती हैं, और मैं बहुत ज़्यादा अक्सर परेशान रहती हूँ, कुछ ना कुछ मैं चैटियों को भगाने के लिए करती रहती हूँ। तो ये वाला आप जो मतलब टिप्स है उसको यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं आ गई हूँ अपने बाहर रूम की, ये मेरी मतलब वॉल है, और यहाँ पर ना मतलब बल्ब लगा हुआ है, तो यहाँ छिपकलियाँ कीट वगैरह आते रहते हैं, तो इस तरीके से आप उनको भगा सकते हैं। और अभी मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में, और यहाँ पर मेरे प्लांट्स लगे हुए हैं, और मुझे कमेंट आ रहा था कि आपके प्लांट्स बहुत ज़्यादा हेल्थी हैं, तो आप क्या करती हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए जो हमारी जो मेडिसिन का हमने पानी बनाया था ना, वो मैं अक्सर अपने प्लांट्स में डालती रहती हूँ उस तरीके से बना के। तो बिल्कुल भी मेडिसिन को फेंकिएगा मत, और इस तरीके से आप अपने प्लांट्स में डाल सकती हैं, क्योंकि ये मेडिसिन जो है कीटनाशक मतलब दवाई के रूप में भी काम करती हैं, और इस तरीके से आप अपने प्लांट्स को हेल्दी रख सकते हैं। मैं अक्सर ही अपने प्लांट्स में डालती रहती हूँ, और इस तरीके से स्प्रे बॉटल में डाल के मतलब पौधों पे स्प्रे करती रहती हूँ, तो जो भी कीड़ा वीड़ा होता है ना वो मर जाता है, और हमारे पौधों को ये ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो कैसा लगा मेरा ये वाला आइडिया गाइज मुझे कमेंट करके बताइएगा, और कौन सा टिप्स मेरा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।